Hey, hello everybody. Welcome back again. Tenses छोड़ के गए थे रोमा मैम, right? So all of you, welcome back with me, your host and host रोमा मैम, along with एडुगरिल्ला team. So हमारा मकसद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, to make you guys understand English in a boom way, right? तो हमने शुरू किया था, रोमा मैम ने शुरू किया था chapter tenses because I love you all. हाँ, टेंसेस एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड. हमने टेंसेस में आप में से सबसे पहले तो जितने लोगों ने टेंसेस वाला वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, यानी टेंसेस पार्ट 1 इनडेफिनेट एंड कॉन्टिन्यूअस नहीं देखा है, बेबी गो एंड वॉच इट, बिकॉज अभी जो हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव द फाइनल टच. आई विल गिव द फाइनल टच, एक फाइनल टच देने वाली हूँ मैं टेंसेस को, ठीक? यानी इस वाले मेरे वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, ठीक? इसके बाद मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगी आपसे इसी वीडियो में जहां पे आप टेंसेस को समझने में थोड़ा सा चूक जाते हैं, तो वो क्या होता है वो हम शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस एंड हियर इज माय वेपन. लेट्स बिगिन. सो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जय माता दी. अब हमको शुरू करना है परफेक्ट वाले के साथ, ठीक? परफेक्ट का मतलब क्या है अभी बताया था ना, परफेक्ट क्या होता है? काम जो बोला, कमिटमेंट जो की, वो कंप्लीट भी कर दी, वही तो होता है परफेक्ट, ठीक? अब शुरू करते हैं. परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये मैं आपको पहला वीडियो में बता चुका हूं. अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है हैज और हैव, दो लोग यानी दो हेल्पिंग वर्ब, यानी सिंगुलर प्लूरल का पंगा फिर आया. तो हैज है हमारा सिंगुलर और हैव जाता है सभी प्लूरल के साथ, आई के साथ और यू के साथ. बताए थे ना आपको, आई और यू बगावती हैं, यही दोनों हैं. फिर से ये लोग प्लूरल के साथ चले गए, फंडा बस इतना ही है. इसके बाद पास्ट परफेक्ट का हैड है, सिंगल है, चाहे सिंगल लो प्लूरल लो सब एक एक साथ जाएंगे. और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव है, सिंगल बात है, इसको दो यूनिट ना मानिए, जोड़ा है, जोड़ा कभी अलग नहीं होता, ये एक, इनको एक का यूनिट माना जाता है. तो विल हैव हो गए, सिंगल लोग साथ जाते हैं और प्लूरल लोग साथ जाते हैं, इनके साथ कोई दिक्कत है नहीं. अब यही जो सिंगुलर प्लूरल का फंडा था, यही फंडा जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है, यानी हैज के आगे बीन बजाए, हैव के आगे बीन बजाए, हैड के आगे बीन बजाए और विल हैव के आगे बीन बजाए. एक रहन इन, एक रहन हैज बीन, एक रहन हैड बीन और हम कहें विल हैव बीन. तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का. अभी जैसा पहले था हिसाब किताब बिल्कुल वैसे ही है. हैज हमारा सिंगुलर हो गया, हैव बीन हमारा प्लूरल हो गया, आई भैया लेक चले गए और यू भैया लेक चले गए, यू. और हैड बीन अभी भी एक ही यूनिट, जोड़े में सिंगुलर प्लूरल सब एक बराबर. विल हैव बीन फिर से उनको एक ही यूनिट माना जा रहा है, मियाँ बीवी बच्चा था, लेकिन है तो एक परिवार है, तो एक ही माना जाता है उनको, इसलिए सिंगुलर प्लूरल सबके साथ जाता है. तो अब जा करके हमने कंप्लीट किया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब में क्या था? मेन वर्ब कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में. और हमारे पास टेंसेस में कितने रो हैं? 4 हैं. चलो डिवाइड करते हैं. मेन वर्ब का पहला पहले रो में, मेन वर्ब का दूसरा दूसरे बॉक्स में. 2 नंबर का धंधा इतना आसान नहीं बाबू. तीसरे नंबर का मेन वर्ब तीसरे वाले रो में जाके सटक जाएगा. फिर अब हमारे पास बहुत बचा ही एक है, तो वह जो बचे हैं सब में बांट दीजिए, यानी रो नंबर 2 और रो नंबर 4 जो कि कॉन्टिन्यूअस की तरफ इशारा करते हैं आईएनजी लगा के, तो वहां पे आपको जोड़ देना है मेन वर्ब का 4th वाला पार्ट. ये हो गया मेन वर्ब का. और जितने भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं. जब हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं? डू, डज, ये पहले में थे. डिड ये दूसरे वाले बॉक्स में है. विल, फिर आया इज, फिर आया एम, फिर आया आर, फिर आया वॉज, वर, विल बी, शैल नहीं लगाना है, बताए थे पहला वीडियो में, ठीक? हैज, हैव, हैड, विल हैव, has been, have been, had been, will have been. आई गजब लिख दिए। तो अभी हमारे पास कितना है, जरा काउंट करें का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गजब है, काउंटिंग क्यों है एकदम इंडियन स्टाइल में। 12 बॉक्सेस थे हमारे पास, देखो 12 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गए हैं जोड़े में। अब इतना पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को लेकर के, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कुछ लोगों में होता है। हम सबकी बात नहीं कर रहे, बाकी लोग तो डबल छाड़े हैं। जितना कुछ लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, उस कंफ्यूजन को करते हैं दफा। अक्सर कंफ्यूजन जो हेल्पिंग वर्ब से निकल के आता है, वो आता है इनको याद कैसे किया जाए। तो फ्यूचर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है प्रभु, क्योंकि फ्यूचर वाले में देखिए पहले में भी विल है, बादों में विल है, ओकरे बादों विल है, और फाइनल वाले में भी विल है, यानी विल तो होगा ही होगा। विल के बगैर तुम सोच नहीं सकते हो फ्यूचर डेफिनेट करके, राइट। अब इसमें सिंपल में तो सिंपल रहने दिया, कुछ जोड़ी जाड़िस नहीं, जैसे हैं वैसे हैं। कंटिन्यूअस में बी जोड़ ली, विल प्लस बी हो गया। परफेक्ट में हैव जोड़ लिया, क्योंकि अंग्रेजी में परफेक्ट के मान के चलो 3 वर्ड माने जाते हैं। परफेक्ट अगर आपसे कोई पूछे कौन से वर्ड हैं जो परफेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, तो आपको आएगा यही 3 वर्ड, यही 3 वर्ड परफेक्ट ऑक्सिलरी यानी परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब की तरफ इशारा करते हैं। तो इसमें से हैड चूंकि पास्ट हो जाता है तो विल ले नहीं सकता, हैज सिंगल में हो जाता है तो विल का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि विल और सब्जेक्ट के बीच में गैप आ जाता है। तो करता क्या है, विल उठाता है कायदतन हैव को, ये परफेक्ट में हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसी विल हैव के आगे जोड़ देता है बिन। तो ये हो गया याद करने का फ्यूचर को, will be, will have been, ये हो गया फ्यूचर। अब हम आते हैं प्रेजेंट वाले में, do, does, is, am, are, has, have, तीनों याद करो, लास्ट वाला तो इसी has, have में बिन लग जाएगा, वही बतिया तो है। अरे भैया पहला do, does, दूजा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा, वो है is, am, are, और प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा has, have, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस इसी के सामने बिन तो लगाना है। तो यहाँ तक पढ़ लेंगे तो आखिरी तो क्लियर है। अब हम आते हैं पास्ट की तरफ, पहला कह रहा है डिड, दूसरा कह रहा है वॉज वर, तीसरा कह रहा है हैड, इसको भी 3 तक ही याद करिए। चौथे वाले में इसके आगे भी बिन लग जाना है, क्या करना है इतना सोचना। तो सबको 3 तक भी याद करेंगे तो चौथा वाला अपने आप में क्लियर हो जाएगा। अब आपको जहां बुद्धि लगानी है वो यही है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इसी 6 में आपको 12 में से 6 में बुद्धि लगानी, ये तो लगी जाता है। बस एक ही गुरु मंत्र याद रखो रोमा मैम का, रिलैक्स होके समझो। हम समझ रहे हैं एग्जाम का प्रेशर है, करियर का टेंशन है, माँ बाप को बताना पड़ता है, कई लोग हैं जो आपके ऊपर गिद्ध की निगाह लगा के बैठे हुए कि भाई कर होगा तुमसे कि नहीं होगा, बताओगे पैसा वेस्ट जा रहा है कि तुमको दिला दे कोई ठेला। फिर भी थोड़ा शांति, जब थोड़ा बाबू सोना करियर इन सब से थोड़ा रिलैक्स हो, जब अपने में बैठो तब पढ़ो अंग्रेजी। अंग्रेजी के साथ करो ही यही, बाकी सबको जब समझना था सवेरे एकदम उठो, तड़के पढ़ लो, रात भर में एकदम रेत के एकदम पराठा कर दो। अंग्रेजी के साथ कुछ ऐसा करो, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, स्पेशली यही टेंशन दे भी तो रही है तुमको। इसको थोड़ा जैसे इंग्लिश का क्या है, फीमेल वर्जन निकल के आता है, इंग्लिश अच्छी लगती है तो थोड़ा फेमिनिन समझ में आता है, बड़ी क्लासी लगती है, फेमिनिन वर्जन है। तो फीमेल के साथ कैसे पेश आता है, थोड़ा समय निकालना पड़ता है, थोड़ा इमोशन लगाना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, और थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि देखना पड़ता है, उनके साथ वक्त देना पड़ता है, लेकिन वो वक्त बाकियों के वक्त में से ना हो। यही कायदा कानून जब आप अंग्रेजी में लगा लेंगे तो जब कोई नहीं जा पाता तो अंग्रेजी कहाँ जाएगी। यही वाला फंडा लेकर के चलिएगा, रिलैक्स होकर के अंग्रेजी को पढ़िएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या हम गोज तो दिए हैं, आदत से मजबूर। हाँ चलिए, आप बताए जितने लोगों की गोज जिंदगी की आदत है हाई फाइव, और जितनों की नहीं है करके देखो, मजा बहुत आता है। अब इसमें देखते हैं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैम सिंगुलर प्लूरल का भी बहुत बड़ा पंगा है। तो उसमें देखो हम क्या बता रहे हैं। अब हम इसको अगर मिटाने पाएंगे तो सब मिट जाएगा। चलो ऐसा देखते हैं, चलो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के चलते हम ये करते हैं, पूरी मेहनत अपनी नाश कर दी है, हम फिर से लिखेंगे। चलो कोई नहीं, ओके चलो भैया, बस ये अंडू ना हो। हाँ ठीक, अब हम जरा देख लेते हैं जो सिंगल वाले हेल्पिंग वर्ब हैं। एक तरफ लिखते हैं जो डबल डबल, मतलब जो ज्यादा हेल्पिंग, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है जिन बॉक्सेस में, और जिन बॉक्सेस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हो गए वन प्लस वाले जिनमें दो तीन हो सकते हैं, ये सिंगल वाले हैं। तो इसमें कौन आएगा? डिड। इसमें और कौन आएगा? यहां पे आ रहा है डू डज, डिड आ गया, फिर इसी में आ जा रहा है विल हमारा, और इधर आ जा रहा है इज, एम, आर, इधर ही आ जा रहा है वॉज और वर, इधर आ जा रहा है विल बी। विल के तो सारे इधर ही आ रहे हैं क्योंकि ये एक ही यूनिट माना जाता है। विल हैव, बिन, हैड भी इसी में अकेला ही है, तो हैड बिन भी अकेला ही हुआ। यहां कौन बचा? और हैज हैव बचे हैं, और इन्हीं के आगे बिन जोड़ना बाकी रह गया है, हैज बिन और हैव बिन। अब ये गिनती 12 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गजा हो गए सर। ठीक, अब ये जो सिंगल वाले हैं तो ये तो सिंगल एक साथ जाएं, ये सिंगल ले लें या प्लूरल ले लें, कोनो फर्क नहीं पड़ता। जब एक ही जान तो सब में बटी जाती है, फिर एक का भी ख्याल रख लेते हैं तो पूरी खानदान ख्याल रख लेते हैं, तो जो खानदान के वो लोग आते हैं उनका ख्याल रख लेते हैं। ये लोग वो लोग हैं इकलौते सबका ख्याल रख लेंगे। ये है थोड़े चूजी टाइप के लोग। मैं सिंगल हूं तो मैं सिंगल को देखूंगा, मैं कपल में हूं तो मैं कपल को देखूंगा, ये थोड़ा चूजी टाइप के लोग। अब ईमा बस एक ही चीज याद रखो कि अभी जितने भी एस वाले हैं, एस मतलब सिंगल, तो जितना भी हेल्पिंग वर्ब में तुम्हारे लास्ट में एस आ रहा है तो बंधु वो खुद एस लगा के तुमको बता रहा है कि भैया जी हम सिंगल हैं, तो कंफ्यूज आने का जरूरत है। अब पहला वाला में देखिए कीमा एस आ रहा है डज में, सेकेंड वाले में देखिए इज में, थर्ड वाले में देखिए वॉज में, फोर्थ वाले में देखिए हैज में, लास्ट वाले में देखिए तो हैज बिन में। यही है जिनमें एस आ रहा है, और एस मंजे सिंगुलर, ये सारे के सारे सिंगुलर हो गए ना भाई, काहे को इतना बुद्धि लगाने का है, जिधर इजी है। अब जब सिंगल है तो जो बचा है वो प्लूरल ही होगा ना, तो यहाँ ये प्लूरल हो गया, यहाँ ये प्लूरल हो गया, यहाँ ये प्लूरल हो गया, यहाँ ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। अब ईमा से कोई एक है जो रह गया, ये वही शख्स है जो कमिटमेंट में फंसा है। बता रहे हैं हम आपको, जिस दिन कमिटमेंट दे दिए वही समझ लीजिए आप जुदा हो गए लोगों से। तो ये हो गया कमिटेड वाला, ई जाता है सिर्फ आई के साथ, समझे? तो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो दिक्कत तुम्हें पेश आती है वो ये आती है कि किसको कैसे रखें याद। तो विल वाला तो हम एकदम क्लियर बता दिया, उसको याद रखने सबसे बेहतरीन तरीका कि विल वाले में फ्यूचर में विल का होना आवश्यक है। तो कभी वो कंटिन्यूअस में बी लगाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन लगा देगा, और परफेक्ट है तो हैव लगा देगा। ये तो विल का हो गया हिसाब किताब। अब जो प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट में डू डज है, इज एम आर है वो, और हैज हैव है और हैज बिन, हैव बिन, यानी हैज हैव तक रटिए, रटिए नहीं, गलत शब्द हम ही बोलती है, समझिए। उसके बाद पास्ट वाले में पहले में डिड है, दूसरे में वॉज और तीसरे में हैड है, यानी पास्ट वाले में भी, उसके बाद लास्ट वाला तो हैड बिन हो ही जाता है। सिंगुलर प्लूरल का फंडा भी हम सॉल्व कर दिए, जो अपने साथ एस को लगा के आ रहा है यानी वो आपसे क्लियर कर रहा है कि बंधु यही है एस मतलब सिंगुलर। तो एक बार तबीयत से इसको जरा देख लो, झांक लो इसको ढंग से, समझ लो क्या कितना कैसे। देखिए लिखने का लिखता लिया, देख रहे हैं हम, वेट कर रहे हैं तब तक हम भी थोड़ा रिलैक्स मान लें। हो जाए तो बता दीजिएगा भाई, हमारे हिसाब से तो हो गया होगा, हो गया। चलिए तब तक हम एक मैसेज मार देते हैं। हो गया जी, एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी हमारा हम फेंक दिए, और ग्रामर का पूरा ध्यान रखते हुए। ओके ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको करता हूँ मैं वाइप। चल भाई, हाँ वाइप कर दो, वो पंगा गया। तो टेंसेस में शुरुआत में आपको रोमा मैम बोले मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ही है चक्कर। मेन वर्ब के 4 फॉर्म कौन कैसे जाएंगे ये हम आपको बता दिए। तो अब इसको ऐसा समझिए, एक जो शॉर्ट तरीका, एक शॉर्टकट तरीके से समझेंगे, इसको ऐसा समझिए। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट हो गया सिंपल, ठीक। और सिंपल में कौन कौन आ रहा है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक। सेकंड वाले में कौन आ रहा है? 2 नंबर वाला धंधा आ रहा है इसमें, तो इसमें बॉक्स नंबर 2, 2 नंबर के लोग, 2 नंबर का साथ, बॉक्स नंबर 2। अब मेन वर्ब तीसरा, तो तीसरा बॉक्स यानी परफेक्ट। अब परफेक्ट में प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, 3 हो जाएगा। तो यानी ये जो है 3 बॉक्स ले लिए, ये वाला 1 बॉक्स ले लिया, ई वाला भी 3 बॉक्स ले लिया। तो कितना? 3, 3, 6, 7, 12 में से 7 गए, कितने बचे? 6 बचे ना। अब वो 6 कौन से हैं? कॉन्टिन्यूअस वाले हैं, तो सारा इधर पकड़ लेंगे यानी कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें आ जाएगा आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसी में प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। समझे? ये ले गया 6 बॉक्स, हो गया ना 12। तो यानी कि पहला रो, इसको ऐसे याद रखिएगा, ये चीज हमेशा ऐसे याद रहती है। जैसे मैप वर्क याद रखते थे, अब उसमें क्या होता था, 72 मैप होते थे तो हम कंफ्यूज हो जाते थे। यहाँ एक है बॉक्स, मतलब ये बॉक्स, अगर आप तबीयत से ये क्यों कह रहे हैं हम आपसे, अगर इस वाले बॉक्स पे आपकी पकड़ बेहतरीन हो गई माशाल्लाह, तो जब हम लोग पैसिव पढ़ेंगे ना, पैसिव वॉइस, तो आपके लिए चीज बहुत आसान होगी। तो इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। सो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। मेन वर्ब हम आपको बता दिए, पहला पकड़ लेंगे, दूसरा नंबर, तीसरा पकड़ लेंगे, चौथा एमवी बचा, बाकी कंटिन्यूअस में बांट दीजिए। भाई जितना बचा वही तो बांटेंगे ना। ये हो गया मेन वर्ब का। इसके पहले हम आपको हेल्पिंग वर्ब का भी क्लियर कर दिए कि भाई फ्यूचर का याद रखना बहुत आसान है। प्रेजेंट और पास्ट में तीसरे यानी परफेक्ट तक याद रखिए, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ बिन लग जाता है, राइट। अब इसके आगे जो शुरू होता है बंधु, वो होती है प्रैक्टिस, राइट। अब इसमें एक और कंफ्यूजन आ रहा था जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी, और वो कंफ्यूजन कुछ ऐसी आ रही थी कि आइए पहले यहाँ चलिए, इधर आइए। अभी कंफ्यूजन ये आ रहा था कि मैम ट्रांसलेशन में भी समझ में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि जब हम बोलने पर आमादा होते हैं कि चलिए हम कुछ बोलते हैं तो कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं, तो यहाँ चल रहा होता है टेंस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इंडेफिनेट का उसका इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बोल नहीं पाते। फिर आप हिंदी का हिंदी ही रहने देते, अंग्रेजी में कौन बेइज्जती कराए फिर फालतू में। उस केस में आपको क्या करना होता है, इसको क्योंकि वी आर प्रिविलेज्ड, हम प्रिविलेज्ड हैं इस बात से कि हम अंग्रेजी को हिंदी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ताकि वो बहुत आसान हो जाए हमारे लिए। अब इसमें देखो, हिंदी कहता है सिंपल प्रेजेंट में, पहले तो ये कहता है इसको आसान तरीके से ऐसे समझो। कॉन्टिन्यूअस कितने बॉक्सेस हमारे पास? 2 हैं, एक ये है और एक ये है, और उसके पहले हम ई हटा दें ताकि कंफ्यूजन का स्टेटे कदम, एकदम कोरी जमीन। फिर से हम कर रहे हैं खेती, ठीक, चलो। तो कॉन्टिन्यूस हमारे पास 2 तरह के कॉन्टिन्यूस हैं, एक कॉन्टिन्यूस, दूसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी इन टोटल इन दोनों का मिलाकर के 6 बॉक्सेस हमारे पास निकल के आ जाते हैं। हम बार बार बॉक्सेस क्यों कह रहे हैं कि इसी तरीके से याद रखेंगे ना, तो यकीन मानिए पढ़ना तो बहुत छोटी सी बात है, आप अगर किसी को एक्सप्लेन भी करना होगा तो धड़ल्लेस कर देंगे, समझ रहे। तो कॉन्टिन्यूस में हमारे पास 2 चीज़ है, ठीक। तो ये क्या कहता है, कॉन्टिन्यूस हिंदी में कहता ही है रहा, रहा, ये बोलता ही यही है, रहा रही रहे, यहां पे भी वही बोलता है, रहा रही रहे। भाई जाहिर सी बात है अगर दो कॉन्टिन्यूअस है तो बात तो वही करेगा ना, रहा रही रहे। ये हिंदी में बात करता है, ये कॉन्टिन्यूअस की बता रहे हैं और इसको ये समझने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। इसीलिए कई बार क्या होता है बीच में से इसे भी समझना पड़ता है। ऐसे मान लो कभी कभी जब क्रिकेट होता रहता है तो जब भी समझ में आता है कि नहीं भाई स्कोर बनाना है, ये विकेट गिराना है, तो वो जो पद्धति बनाए रहते हैं उसको तोड़ करके कुछ और करते हैं। बाद वाले बैट्समैन को पहले उतार दिए, पहले वाले को बाद में उतार रहे हैं, जो जिसका जो बॉलर है उसका पहले सार मतलब दिलवा दे रहे हैं, फिर उसको रोक के रख रहे हैं आखिर के लिए। तो थोड़ा सा जब तक आप चेंजेस नहीं लाएंगे तो आपको चीजों को समझने में बहुत तगड़ी वाली दिक्कत हो जाएगी भाई। तो करना क्या है, ट्रांसलेशन के मामले में कॉन्टिन्यूअस किसी भी प्रकार का हो वो अपने आप को रहा करके जरूर बताता है। रहा मेल हो गया, रही फीमेल हो गया, रहे हो सबके लिए, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अगर प्रेजेंट है तो है लग जाता है, पास्ट है तो था लग जाता है, और फ्यूचर है तो होंगे लग जाता है। मैं पढ़ा रही हूं, रही हूं, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा रही होंगी, ठीक। यानी रहा रही रहे ये कॉमन है, मैथ्स में होता है ना कॉमन फैक्टर, ये कॉमन है। अब टेंस कितने, तीन होते हैं, तो प्रेजेंट मतलब है, पास्ट मतलब था, और फ्यूचर मतलब होगा। अभी नहीं क्या आगे ये जोड़ दीजिए, समझ में आ जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब बिल्कुल वही छाप के यहाँ छापा पड़ता है। मैं यह कह रही हूं मैं पढ़ा रही हूं तो ये भी कहेगा मैं पढ़ा रही हूं। बस अंतर जानते हैं क्या होगा, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये कंटिन्यूअस के आगे की कहानी है, यानी जो टेंसेस के बॉक्सेस हैं वो आपस में खुद से जुड़े हुए हैं। तुमने वो तार देखने में थोड़ी सी चूक कर दी। तो आज उन तारों को ना मैं एकदम क्लियर लाने वाली हूँ तुम्हारे पास। कॉन्टिन्यूअस की कहानी पूरी करता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अगर मैं आपको वाक्य में समझाऊं तो अगर मैं कह रही हूं मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, ठीक। अब इसमें क्या आ रहा है, रहा रही किसकी तरफ करते हैं, कॉन्टिन्यूअस की तरफ, और हूं लग गया तो प्रेजेंट है भैया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बात समझे। अब इसमें देखो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं फिर कह रही हूं मैं पढ़ा रही हूं, कोनो अंतर दिखाई दे रहा है, कोनो अंतर नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि हम काहे कह रहे हैं कि ये इसके आगे की कहानी है। ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही हुआ। परफेक्ट मतलब क्या होता है, जो अपना काम नपे तुले तरीके से करता है। तो नपा तुला जो तरीका होगा वो पता क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि जो काम हम कर रहे हैं ये हम कर कब से रहे हैं, समय भी क्लियर करेगा। यानी जब मैं कहूं मैं पढ़ा रही हूं पिछले 2 घंटे से, अब हमने क्या कर दिया, यही जो कमवा हम कर रहे हैं इसको हम ये बता दिए कि हम भैया कब से कर रहे हैं, यानी हम बता दिए हैं टाइम, ताकि आप हमको जज ना करो, हम बता दे रहे हैं आपको क्लियर। सो ये हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये सभी के साथ, सभी के साथ मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंतर क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम जोड़ दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अंतर क्या हुआ, टाइम जोड़। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अंतर क्या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम जोड़। यानी कॉन्टिन्यूअस के आगे की कहानी, यानी कॉन्टिन्यूअस के 3 बॉक्सेस की कहानी, लास्ट का 3 बॉक्स क्लियर। जब वो ये क्लियर कर देता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं, अरे बचपन में देख लीजिए, पुराने समय में चलते हैं, जब मम्मी लोग कहती थी कि ये अभी हम आएंगे आधे घंटे में, इतना नहीं याद हुआ तुम्हें सूद देंगे हम तबीयत से, मम्मा यही बोलती थी। तो उस वक्त क्या होता था, जब मम्मी वापस आती थी तो हम लोग ऐसे पोथी लेके, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्योंकि है लगा, पढ़ रहे हैं। इतनी देर तुमको याद नहीं हुआ कब से पढ़ रही हो तुम, ये 5 मिनट तो हुआ है, 5 मिनट से पढ़ रहे हैं, इसके पहले तो राइटिंग कर रहे थे, राइटिंग भी खराब है, इसको पढ़ते पढ़ते 5 मिनट हुआ है, तो जैसे तुमने ये बता दिया अपनी जान बचाने के लिए कि तुम कमवा कर कब से रहे हो, तो वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये सभी के साथ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कहानी बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के आगे की कहानी बयां करता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के आगे की कहानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर करता है। तो यानी ये 3 से 3 बॉक्स जुड़ गए ना। अब ऐसे याद रखिए, बात समझ में आ गई। अब चलिए हम फिर से पीछे, इतना समझ में आया, ये दोनों जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। अब मैं फिर से इसको वाइप करती हूँ क्योंकि मैं फिर समझाऊंगी, मैं फिर गोचूंगी। इसी जगह लगता है काश एकदम हैरी पॉटर वाले स्कूल में होते हैं हम, भन्ने से हो जाता काम। एनीवेज, अब हम आते हैं ये 2 बार। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, थोड़ा गंदा लगेगा लेकिन समझने के लिए हम ये करने वाले हैं कि हम इसको ऐसे करें। ये हो चुका है, ये हम बता चुके हैं। अब हम इसमें और ज्यादा नहीं बताने वाले, ठीक। बस इसमें एक चीज हम आपको बता दें, नहीं तो आप में से कई लोगों को ये होगा, जब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम बताता है तो ये टाइम कैसे बताता है, टाइम के पहले या तो सिंस या फॉर लगाता है और फिर टाइम बताता है। यानी मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, लेकिन अगर आगे टाइम बता दिए तो मैं पढ़ा रही हूँ, आई हैव हूँ लगा हुआ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो आई हैव बीन टीचिंग। अब अगर ई टाइम जो है इसकी गिनती कर सकते हो, गिनतियों में आता है 1, 2.5, 1.2। अगर ये गिनती का हिस्सा है तो तुम लगाओगे फॉर, और अगर ये समय का हिस्सा, समय, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट नाइट, इस समय की बात बता रहा है तो आप लगाएंगे सिंस। बात समझे? यानी कि जैसे तुम ये काम कर रहे हो, यहां से शुरू किए हो, तुम यहां पहुंचे हो, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था, अभी तुम यहां पर हो एट प्रेजेंट, ठीक है, ये एट प्रेजेंट आप यहां पर है, ठीक। तो अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर तुम स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे तो तुम सिंस लगाओगे, क्योंकि ये वक्त होगा ना। जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हैं मैम 7 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगेगा यार 7 तो संख्या हो गई। नहीं रे, वो समय है, वो संख्या नहीं है, वो एक वक्त है, तो वो हो जाएगा। और वो क्या, वो शुरुआत तुम बता रहे हो, तो अगर तुमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया तो तुम सिंस लगाओ। लेकिन जो इस बीच की अगर तुम दूरी बताने लग गए, ये ड्यूरेशन बताने लग गए तो तुम लगाओगे फॉर। इसको लिख लो। यानी अगर मैं कह रही हूं कि मैं 2 घंटा से पढ़ा रही हूं, सो मैं कितने बजे शुरू कर रही हूं इसमें तो मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 घंटा से पढ़ा रही हैं तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हमारे हो रहा है 12:51, तो मैम 12:51, 10:51 से पढ़ा रही हूँ। जब इतना बुद्धि लगाने पड़े जोड़ा जाड़ी के लिए कि शुरू कब किए तो फॉर लगाइए, लेकिन जब हम आपको पहले शुरू को बता दिया, आपको बुद्धि नहीं लगानी तो वहां लगाइए सिंस। ये है मुद्दा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं, इसको मैं पहले हटा दूं क्योंकि अभी मुझे फिर यहाँ आना पड़ेगा। अब हम ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी रो 3 और रो 4 ये क्लियर। सॉरी, तुम लोग ये हम कंफ्यूज हो सकते हो, बताओ। रो 2 और रो 4 ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब अपन लोग जाएंगे किधर, पहला वाले सिंपल इंडेफिनिट वाले। ये हिंदी में कहता है तातीते, और फ्यूचर का तो कोई मतलब ही नहीं है, गागी गे में ही चल रहा है। गागी गे, होंगे, होगा, होंगे, मतलब ये वही वाला फंडा है। तो अभी हम क्या समझ रहे थे, हम पहला वाला समझ रहे थे। फ्यूचर वाले में गा गी गे जब भी आए गा गी गे, तो दैट इज गोइंग टू बी सिंपल फ्यूचर। और रहा रही के साथ गा गी गे आ जाए, रहा रही के साथ, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। और रहा रही के साथ गे के साथ टाइमर मेंशन हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही सवाल का कमाल है, ठीक। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट कहता है तातीते, राइट, और सिंपल पास्ट की अब कहानी समझो। यहाँ पे अच्छा खासा कंफ्यूज तुम सब लोग अपना बड़वा लेते हो नोच। अब इसको समझो कि इजीएस्ट तरीका क्या है इसको समझने का। सिंपल पास्ट में क्रिया पे जब तुम अपनी बात को करते हो खत्म, मैं गया, मैं वहां गया, मैंने उससे बोला, मैंने कुछ बताया, मैं वहां नहीं बैठा, तुमने कुछ पूछा, तो यहाँ पे मैं वहां नहीं गया, गया पे रोक दिया, मैंने उससे पूछा, पूछा पे रोक दिया, जो मेन काम मैं कर रही हूँ उसी पर सेंटेंस को छोड़ रही हूँ, मैं वहां नहीं बैठा, बैठने का काम बैठा पे ही छोड़ दिया। तो जब तुम अपनी मुख्य क्रिया यानी मेन क्रिया पर अपना सेंटेंस रोक दो, जब मेन क्रिया पे आप अपना सेंटेंस रोक दे तो वो हो जाता है सिंपल पास्ट। अभी हम आपको क्या बताए थे, कॉन्टिन्यूअस की जुड़ी हुई कहानी। अब मेरी जान ये चेक करो, सिंपल पास्ट से जुड़े हुए हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कैसे समझो, मैं वहां गया, गया पे रुक गया मुद्दा तो सिंपल पास्ट। अब इसी के आगे प्रेजेंट क्या बताता है पास्ट क्या बताता है था, फ्यूचर क्या बताता है होगा। तो अगर मैं इसी में कह दूं गया है, ठीक है, वो दिल्ली नहीं गया, गया पे रोक दिया मैंने सेंटेंस, सिंपल पास्ट। वो दिल्ली नहीं गया है, अब गया के आगे मैं क्या कर रही हूं, यानी मेन वर्ब के आगे है लगा रही हूं, यानी बात को थोड़ा आगे बढ़ा के कंप्लीट कर रही हूं। अरे वो नहीं गया है दिल्ली, राइट, गया के आगे है प्रेजेंट परफेक्ट, उसी गया के आगे था, वो दिल्ली नहीं गया था, पास्ट परफेक्ट, उसी गया के आगे होगा, वो दिल्ली नहीं गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट। यानी ये जो बॉक्सेस है ना बंधु, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। अब जब इनको तुम छिन्न भिन्न करके समझने को, अब किसी भी इंसान को जब तुम तोड़ ताड़ के समझने की कोशिश करोगे घंटा समझ में आएगा। इनको कनेक्ट करके समझने की कोशिश करो तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारे ब्रेन में भी तुम कनेक्टेड हो इनके साथ, पहला बॉक्स ही कनेक्टेड है सच में। इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा बेबी, फिर बता रहा हूं मैं आपको, सेंटेंस को जरा ध्यान से सुनना। चलो अब हम गोदागादी पे आए, फिर से बता रही हूं आपको। सिंपल प्रेजेंट कहता है तातीते, वो जाता है, वो जाती है, वो जाते हैं, तातीते, और इनके आगे है जुड़ा रहता है। तातीते के आगे है सिंपल प्रेजेंट, गया, पढ़ाया, बोला, किया, यहीं पे रोक दिया तो सिंपल पास्ट, और इनके आगे कहीं हमने है, था या होगा लगा दिया तो अब ये सिंपल पास्ट से कूद करके परफेक्ट में घुस जाते हैं। बात समझे, ये इनसे कनेक्टेड थे, ये दोनों इंडिविजुअल थे, बाकी ये वाला फिर से परफेक्ट से कनेक्टेड हो गया। आओ समझते हैं, ये देखो, पापा मार्केट गए, सब्जेक्ट कौन, पापा, पापा मुख्य काम क्या कर रहे हैं, जाने का, कहां जा रहे हैं, मार्केट, ठीक। तो पापा का मुख्य कार्य ये है, मेन वर्ब। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो पापा वेंट टू द मार्केट। अब हम वेंट काहे लगाए हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट की बात हो रही है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कहीं हम लगाए हो तो नहीं गए हैं पापा, तो डिड नॉट गो आता, जैसा पहले बताए थे। यानी कि अगर डिड लग रहा है तो वर्ब की पहली फॉर्म, नहीं लग रहा है तो सेकंड फॉर्म, या नहीं लग रहा है तो सेकंड लगा दिए। अब ये उस हिसाब से हुआ जैसे कि मेन वर्ब यहीं पे रुक गया। अब जरा देखो, मैं 1, 2 और 3 लिख रहा हूं, पापा मार्केट गए, फिर लिख दिया, फिर लिख रही हूं पापा मार्केट गए, फिर लिख रही हूं पापा मार्केट गए, सब एक जैसा लग रहा है। अब देखो, पहले वाले में हम जोड़े है, दूसरे वाले में हम जोड़े थे, तीसरे वाले में हम जोड़ रहे होंगे, तो ये क्या मतलब होता है, प्रेजेंट, थे का मतलब क्या होता है पास्ट, होंगे का मतलब क्या होता है फ्यूचर, राइट। अब ये घुस जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, समझे? ये है कनेक्टिविटी। इस पे करिए रिहर्सल, इस पे करिए ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। ताबड़तोड़ से मेरा मतलब है ताबड़तोड़। और जब भी आप टेंसेस को समझें, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की कहानी समझें। हेल्पिंग वर्ब में एस लगा होता है तो वो क्या बन जाते हैं वो समझें। सिंस और फॉर को कहाँ और कैसे लगाया जाता है वो समझें, राइट। इसके अलावा आप ये देख लें कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म किधर जा रहा है, वो तो ही है। कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से कैसे जुड़ा हुआ है और सिंपल पास्ट परफेक्ट वालों से कैसे जुड़ा हुआ है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कैसे जुड़ा और जुदा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कैसे जुड़ा और जुदा है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से कैसे जुड़ा और जुदा है। इसी हिसाब से जब सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट से कैसे वो रास्ता निकलता है कि वही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। इसमें काम करता है था या होगा। मेन वर्ब पे सेंटेंस को गिरा दीजिएगा तो सिंपल पास्ट, उसके आगे है था या होगा लगा दीजिएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर। टेंसेस को समझना अभी के लिए इतना ही है। मेरे नेक्स्ट वीडियो जो टेंस से ही रिलेटेड होगा, यानी इसमें सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाए, कैसे करें कि त्रुटियां ना हो, और अगर त्रुटियां हो रही हैं, एरर आ रहा है तो उसको एमेंड कैसे करें, यानी उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी मेरे अगले वीडियो में जो होने वाला है टेंसेस से ही रिलेटेड, क्योंकि अब टेंसेस जितने भी रास्ते निकलेंगे, जितना भी कुछ अब रास्ता निकल के जाएगा वो टेंसेस के अंतर्गत ही जाएगा, ये वहीं से निकलेगा। इसीलिए कहती हूँ टेंसेस बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, ऑल ऑफ यू देयर, अपने कमेंट बॉक्सेस में भर भर के चीजें लिखिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी क्वेरीज का, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का, आपके कुछ ऐसे सवालों का जहाँ पे आपको अभी लग रहा है कि मैम ये वाला एक बार फिर से बता सकते हैं, या फिर मैम ये समझ में आया, या फिर आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ, वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, चीज़ों में मदद हो रही है या नहीं। ये सारी चीज़ें आप मुझे क्लियर कर सकते हो और अपने डाउट शेयर करते रहिए, ताकि मेरा जो मोटिव है, जैसे मैंने बोला ना, टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल, और ये तभी हो पाएगा जब हम दोनों एक लेवल पे होके काम करेंगे। तो मैं आपको टीचर्स लेवल पे लेके आना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे आपके लेवल तक जाना है। तो मेरी मदद करिए और मुझसे कमेंट जोन में लगातार बात करिए और ढेर सारी बातें कर सकते हैं। टिल देन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं टाइम देख रही हूँ और मैं आपसे कह नहीं पाई, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हम सभी के मोटिव अचीव हो जाए जो हम पॉजिटिवली चाह रहे हैं, और वो डेफिनेटली होंगे। मैं कहती हूँ ना, टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल, इस बार तो फॉर श्योर होंगे। आई हैव दैट फॉर श्योर बिलीव इन मी। सो एवरीवन, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वाचिंग द वीडियोस ओवर देयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू बी इन टच विद मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, टेक केयर, सी या, चाओ, बाय बाय, मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वन। कीप रिवाइजिंग, कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग।